हाय फ्रेंड्स, फोटो पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला एक वीडियो बनाने का, और बीच में काफ़ी बिजी चल रहा था इसलिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो क्यों ना आज का ये जो सेशन है, हम लोग बहुत ही क्विक सेशन रखते हैं। एक क्विकली हम लोग एक प्रोडक्ट लेंगे, उसको लाइट अप करेंगे, और इसके लिए हम लोग ज़्यादा लाइट नहीं, सिर्फ एक ही लाइट यूज़ करने वाले हैं। और एज़ यूजुअल हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत सारे लाइट इधर उधर से लगा के वो नहीं करने वाले। हम लोग इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। और जो चीज़ हम लोग शूट करने जा रहे हैं वो है फोर्क और स्पून। आप फोर्क और स्पून या स्टील का जब भी कोई चीज़ आप शूट करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो किस तरह से वो रिफ्लेक्शन अवॉइड करें आज हम लोग वही देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह से अपने फोर्क और स्पून आ गए। इसको मैंने रखा है नीचे ब्लैक कलर के एक्रेलिक शीट पे। यहाँ पर आ गया अपना कैमरा, और फिलहाल के लिए मैं कोई भी लाइट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और एक विदाउट एनी लाइट हम लोग एक शॉट लेके देखते हैं कैसा आता है। ये शॉट मैं लेने जा रहा हूँ फुल ऑटो मोड पे विदाउट एनी लाइटिंग के, और लेट्स क्लिक। तो दोस्तों, ये शॉट आप देख रहे हो कैसा है, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, कहीं पे लाइट कम हो गई है, कहीं पे पीछे कुछ कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, और नीचे जो एक्रेलिक है उसके ऊपर स्क्रैचेस कितने दिख रहे हैं, उसके ऊपर इस कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आया हुआ है, स्पून पे देखिए रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा अंदर आया है, फोर्क पे लाइटिंग बहुत ही अनइवन लग रही है। तो चलिए इन सब चीज़ों को चेंज करते हैं, इन सब चीज़ों को बेटर करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए लाइटिंग शुरू करते हैं। एक लाइट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और वो लाइट कुछ यहाँ पे रखूँगा मैं, टॉप से थोड़ा देंगे, और टॉप से कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगी और देन बाउंस बैक होके कैमरे पे जाएगी। तो ये अपना एक ही लाइट का सेटअप है। तो चलिए लाइट लगा के देखते हैं। लाइट अपनी आ गई है, कुछ इस तरह से जाएगी जैसे मैंने पहले बताया था। चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। तो दोस्तों, ये शॉट देखा आपने कैसा आ रहा है, जो फोर्क है उसके आगे के एरिया पे बिल्कुल लाइट ही नहीं दिख रही है, और जो लाइट है वो उतनी सॉफ्ट भी नहीं दिख रही है। तो चलिए इसके काम करते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर इसके आगे यहाँ पे लगा देते हैं, एंड देन लेट्स टेक ए शॉट एंड सी। चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। तो दोस्तों, शॉट देखा आपने, पहले वाले शॉट से इम्प्रूवमेंट है, बट थोड़ा सा जो है अंडर एक्सपोज हो गया। तो चलिए लाइट को इंक्रीज करते हैं। ओके, लेट्स टेक ए शॉट एंड सी। ऑल राइट, सो मच बेटर। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज अपर्चर टू एफ, लेट्स से F20 पे शूट करते हैं अब, और लाइट भी मैं उसी हिसाब से इंक्रीज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले जो शॉट था, सबसे पहले वाला, उसमें जो लाइटिंग थी बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, रिफ्लेक्शन हर तरफ से आ रहा था। आप देखिए, स्पून को देखिए, फोर्क को देखिए, बिल्कुल रिफ्लेक्शन ही नहीं है। रिफ्लेक्शन है बट वो इस ट्रेसिंग पेपर का ही रिफ्लेक्शन है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं। लेट्स डू वन थिंग, इसको एक को उल्टा करके देखते हैं। ऑल राइट, देखिए काफ़ी अच्छा शॉट आ गया, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग, ये अच्छा लग रहा है। लेट्स टेक ए शॉट। दोस्तों, एक लाइट के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा शॉट आ गया है। चलिए एक काम करते हैं, इस बेस की जगह हम लोग वाइट यूज करते हैं। ये वाइट एक्रेलिक यूज करने जा रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, वाइट पे भी काफी अच्छा शॉट आ गया है। चलिए वाइट की जगह ये बैकग्राउंड ट्राई करते हैं। आपने देखा हम लोगों ने किस तरह से सिर्फ एक ही लाइट यूज़ करके जितना भी रिफ्लेक्शन आ रहा था सारे रिफ्लेक्शन को ब्लॉक आउट कर दिया। जो मेन रिफ्लेक्शन था, सबसे पहले तो ये जो पीछे की वॉल है इसका पूरा रिफ्लेक्शन एज इट इज़ आ रहा था फोर्क और स्पून के ऊपर, और जो स्पून था उसके ऊपर क्या था, ये जो टॉप का सीलिंग था, बिकॉज स्पून की शेप ऐसी थी तो ऑलमोस्ट हर जगह से उस पर रिफ्लेक्शन आके कैमरे में रिफ्लेक्ट आउट हो रहा था।
तो जब पहले हम लोगों ने एक सिंगल लाइट लगाया तो उसे काफ़ी हद तक, बिकॉज़ जो लाइट का जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था, उसे काफ़ी हद तक हम लोगों का जो रिफ्लेक्शन है ब्लॉक हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कई एरियाज ऐसे थे जहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स की डायरेक्ट लाइट नहीं जा पा रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने जब ट्रेसिंग पेपर ऐड किया और उसके बाद थोड़ी सी पावर इंक्रीज कर दी, और जो लाइटिंग थी जो स्प्रेड आउट हो गया काफ़ी नीटली, और थोड़ा सा हल्का सा ग्रेडियंट भी आ गया। तो दोस्तों, ये था फोटो पाठशाला का आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हो नए नए वीडियोस का बनाने की। और क्योंकि फ़िलहाल अभी के लिए मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ, एज सून एज आई गेट फ्री मैं नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ। और टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।